बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द स्टूडेंट्स। इन वीडियो में असीं डिस्कस कंदासीं डीएनए क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 टॉपिक डीएनए। डीएनए स्टैंड्स फॉर डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। इन के असीं सिंधी में भी डीएनए ही चवंदा आहियूं। डीएनए हिकड़ो न्यूक्लिक एसिड आहे, हिक किस्म जो मैक्रो मॉलिक्यूल आहे। जीअं तव्हां ॿिया मैक्रो मॉलिक्यूल्स पढ़िया आहिनि जिन में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, अहिड़े तरीक़े सां डीएनए बि हिकिड़ो मैक्रो मॉलिक्यूल आहे, हिकिड़ो वॾो मॉलिक्यूल आहे जंहिंजो असांजे बॉडी में तमामु अहम फंक्शन आहे। ऐं डीएनए जेको आहे रिस्पॉन्सिबल टू कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर जनरेशन। डीएनए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन इहो आहे त डीएनए इंफॉर्मेशन यानी मालूमात मुंतकिल करे थो हिकु नसल खां ॿिए नसल ताईं ऐं हिकु सेल खां ॿिए सेल ताईं। DNA stands for deoxyribose nucleic acid. This is a structure of DNA. DNA जो structure हिकु ladder like structure आहे, यानी DNA ॾाकण जीअं बनावट आहे जंहिंमें मुख़्तलिफ़ molecules गॾिजी करे DNA जो molecule ठाहिनि था। मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा बिल्डिंग ब्लॉक्स, मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा नंढा मॉलिक्यूल मिली करे डीएनए जो वॾो मॉलिक्यूल ठाहिनि था। डीएनए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन आहे कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सेल टू एन अदर सेल एंड फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर जनरेशन। नाउ कम टूवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए जे स्ट्रक्चर में टे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स थियनि था। डीएनए कंसिस्ट ऑफ थ्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। नंबर वेरी फर्स्ट इज़ पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर मां मुराद अहिड़ो शुगर जो अहिड़ो खंड जो मॉलिक्यूल, अहिड़ो कार्बोहाइड्रेट्स जो मॉलिक्यूल जेको पंजनि कार्बन्स ते मुश्तमिल हुजे, उन जे करे असां उनखे चवंदा आहियूं पेंटोस। ऐं डीएनए में जेका शुगर आहे उहा आहे डी ऑक्सी राइबोस। हाणे हिते सवालु अचे थो त इनखे डी ऑक्सी राइबोस छो था चऊं? छो त राइबोस खंड जे मॉलिक्यूल में हिकु कार्बन जे मथां ऑक्सीजन लेक आहे, हिकु ऑक्सीजन खुटल आहे, जंहिंजे करे असां उनखे चवंदा आहियूं डी ऑक्सी राइबोस शुगर। नंबर ॿियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल जेको आहे उहो आहे फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप जेको आहे डीएनए जो इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूट आहे। ऐं नंबर टियों जेको पार्ट आहे डीएनए जो उहो आहे नाइट्रोजीनस बेसिस, यानी अहिड़ा असास जेकी ॿिनि क़िस्मनि जा थियनि था। नंबर पहिरियों क़िस्म हुन में थिए थो प्यूरीन। प्यूरीन केमिकली डबल रिंग स्ट्रक्चर हूंदो आहे। जेकॾहिं असां उनजो केमिकल स्ट्रक्चर ॾिसंदासीं त असांखे ख़बर पवंदी त प्यूरीन जेकी नाइट्रोजन बेसिस आहिनि, जेकी नाइट्रोजीनी असास आहिनि, उन्हनि जो स्ट्रक्चर डबल रिंगड आहे। इन में ॿ क़िस्म थियनि था एडीनाइन ऐं गुआनाइन। ऐं नंबर ॿियों जेको क़िस्म आहे नाइट्रोजीनियन बेसिस जो उहो आहे पिरिमिडीन। पिरिमिडीन जेके आहिनि केमिकली सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स आहिनि, उन्हनि जे स्ट्रक्चर सिर्फ़ु हिकु रिंग ते मुश्तमिल आहे, हिकु कार्बन रिंग ते मुश्तमिल आहे। हाणे इन जा वरी ॿ टाइप्स थियनि था साइटोसाइन ऐं थायामाइन। हाणे डीएनए जे स्ट्रक्चर में छा थिए थो त हिकिड़े क़िस्म जो रूल आहे जंहिंखे असीं चवंदा आहियूं बेस पेयरिंग रूल। उन में छा थींदो आहे त एडीनाइन जेको बेस आहे उहो हमेशह थायामाइन सां बॉन्डिंग कंदो आहे, ऐं जेको साइटोसाइन बेस आहे उहो हमेशह गुआनाइन सां बॉन्डिंग कंदो आहे। बेसिकली ईअं खणी चऊं त प्यूरीन जेका आहे उहा पिरिमिडीन सां बेस कंदी, जीअं एडीनाइन आहे त उहो हमेशह थायामाइन सां पंहिंजो बेस ठाहींदो, पंहिंजो पेयर ठाहींदो, उन सां केमिकल बॉन्डिंग कंदो। कॾहिं बि एडीनाइन साइटोसाइन या गुआनाइन सां बेस पेयर न ठाहींदो, ऐं जेको साइटोसाइन आहे उहो हमेशह गुआनाइन सां ठाहींदो पंहिंजो बेस पेयर। इनखे असीं चवंदा आहियूं बेस पेयरिंग रूल। त बेस पेयरिंग रूल जेको हुयो उहो असल में ॾिनो हुयो चेरगाफ नाले साइंटिस्ट। उन जे करे इन बेस पेयरिंग रूल खे चेरगाफ रूल बि चयो वञे थो। दिस इज़ द
बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इट्स अ लेडर लाइक स्ट्रक्चर हाँ यो डाकण जी बनावत खड़ी अस चूँ इनके या वरी एक छोक की चोटी जी बनावत अस इन चूँ या जो असें घर में माल के रसो बधंदा उन जड़ो अस इन स्ट्रक्चर चूँ तो इनमें बेकबून यानी किरहंगो जो थिए तो डीएनए जो उहो शुगर ए फॉस्फेट के मिक्सचर से ठे तो इन विच में जी स्टेप्स थियन था या ये खड़ी चूँ डाकण जहाँ जी डाका थियन था उन् नाइट्रोजीनियस बेसिस जिनमें साइटोसाइन एडिनाइन गुआनाइन ए थायामाइन आहिन। डीएनए जो है केमिकली एक पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स जो जी अस पढ़ी आया तो कार्बोहाइड्रेट्स जो बिल्डिंग ब्लॉक्स आहिन मोनोसेक्राइड्स जा जी प्रोटीन्स आहिन तो उहे बिल्डिंग ब्लॉक्स आहिन अमाइनो एसिड्स जा हाँ अमाइनो जी तवाजो लिपिड आहे तो उहो फैट आहे तो उहो जेको आहे फैटी एसिड्स जो हिकड़ो बिल्डिंग ब्लॉक आ तो अड़े तरीके से डीएनए जेको आहे उहो न्यूक्लियोटाइड्स जो उनजा बिल्डिंग ब्लॉक्स जेके आहिन उहे न्यूक्लियोटाइड्स आहिन जी असा एकड़ी भित ठाइंदा आयूं तो बेसिकली उहा भित जेका हुंदी आ उहा सिरन जी ठहल हुंदी आ अड़े तरीके से डीएनए जो मॉलिक्यूल जो वो नंढन नंढन न्यूक्लियोटाइड्स जो ठहल है हाँ न्यूक्लियोटाइड्स के ठहण जहाँ ब बेसिक स्टेप्स आहिन सब का पैं थिए तो जो शुगर है असांजी डीऑक्सी राइबोज पेंटोज शुगर उ बॉन्ड करे थी नाइट्रोजन बेसिस से यानी एडिनाइन गुआनाइन थायामाइन ए साइटोसाइन से जैसे ये ब मॉलिक्यूल मिलन था तो पोट असो ठे तो न्यूक्लियोसाइड ए वरी टे बे स्टेप्स में न्यूक्लियोसाइड यानि शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस जैसे फॉस्फेट ग्रुप से अटैच थिए तो तदें असो ठे तो न्यूक्लियोटाइड एक डीएनए के मॉलिक्यूल में बिलियंस न्यूक्लियोटाइड थियन था। सो हाँ पढ़ासी द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियो डीएनए डीएनए असल में किथे रहे तो असानी बॉडी में बेसिकली डीएनए असांजे हर किस्म के सेल में रहे तो जो मैं सेल थ्योरी वाले वीडियो में बुधाए आयस तो कोई भी सेल हुए चाहे तवजो स्किन सेल हुए चाहे तवजो लिवर सेल हुए चाहे तवजो ऑप्थलिमिक सेल हुए यानी तवजे अखियन जो कोई सेल हुए या तवजो any of your cell any of plant में ॾिसो त leaf जो cell हुजे stem जो cell हुजे या कहिड़े बि क़िस्म जो cell हुजे त हर सेल जे न्यूक्लियस में constant amount of DNA मौजूदु रहे थो ऐं उहो इंफॉर्मेशन कैरी कंदो रहे थो हिकु सेल खां ॿिए सेल ताईं ऐं हिकु जनरेशन खां ॿिए जनरेशन ताईं त बेसिकली जेको DNA आहे उहो मौजूदु हूंदो आहे सेल जे न्यूक्लियस में हाँ असें खबर आ न्यूक्लियस के अंदर होंगी है क्रोमेटिन नेटवर्क क्रोमेटिन नेटवर्क नॉर्मल हालत में रही है पर एट द टाइम ऑफ डिवीजन यानी विरासत के वक्त मायोसिस ए माइटोसिस के वक्त उ क्रोमेटिन कंडेंस थी कर क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम्स जो इंटरनली ठहल डीएनए जा सो डीएनए इज प्रेजेंट in the chromosomes or in the chromatin network of nucleus in the cell. हाणे अचूं था डीएनए जे फंक्शन जे तरफ़ त डीएनए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जेको आहे डीएनए इज़ अ मास्टर प्लान हिकिड़ो मास्टर प्लान ऑफ लाइफ आहे हिकिड़ो इंफॉर्मेशन हाउस आहे स्टोर हाउस आहे उनजो कम इहो आहे टू कैरी इंफॉर्मेशन यानी ॾिसो जेकॾहिं तव्हांजे वारनि जो कलर ब्राउन आहे दैट यू हाणे उहो ब्राउन कलर तव्हांखे तव्हांजे वालिद खां इनहेरिटेड थियो आहे या वालिदा खां इनहेरिट थियो आहे त इहा मालूमात तव्हांजे अंदरि जंहिं कैरी कई उहो मॉलिक्यूल हुयो डीएनए जो सो डीएनए इज़ रेस्पॉन्सिबल टू कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इट्स अ हेरिडिटी मटीरियल इहो हिकु मोरोसी मादो आहे थैंक यू।